पर जब भी आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कैसे आप जज कर पाते हैं ये आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि कभी भी अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई इशू होता है तो सेलिब्रिटी का नाम सबसे पहले आता है, तो क्या आप कोई भी प्रोडक्ट साइन ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले लीगल एडवाइस लेते हैं या किस तरीके से आप जज कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है और ऑनेस्ट? एक्चुअली ये मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि कई बार कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो हमेशा एक्टर का नाम लिया जाता है, लेकिन आई थिंक पीपल फॉरगेट दैट वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं एक्टिंग का या उस बात को फैलाने का इंडिया में और दुनिया में. दे आर नॉट द रीज़न, दे आर नॉट क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वी आर डूइंग आर जॉब. हाउएवर किसी भी बिजनेस डील की तरह मेरे पास भी एक लीगल टीम है, एक बिजनेस टीम है, एक पीआर टीम है, वो सब अपना होमवर्क करते हैं और मैं शूटिंग के दिन पे आके अपना काम आसानी से कर सकती हूँ. बट मैं येस ऑफ कोर्स मैं रिसर्च करती हूँ एंड लाइक आई सेड इफ आई बिलीव इन द प्रोडक्ट आई विल बी एसोसिएटेड विद इट, अदरवाइज आई विल नॉट बी. ओके, परिणीति जैसे कि आप एक ब्रांड फेस हो, जब आप ब्रांड चूज करते हो तो किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है और आप कैसे चूज करते हो? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट एनीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट. दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. आई नीड टू, इट नीड्स टू कम फ्रॉम माई हार्ट. आई थिंक ऑन माई सोशल मीडिया, इन माई फिल्म्स, in my events, anything, it has to be what I feel. I can't fake it and I can't lie about things. So I always choose associations for which I will not have to prepare answers, for which I will not have to, you know, like I said, fake it. So for me, it's very important that this watch and I, or this brand and I, at least in the way we speak, I speak to my audience and the brand speaks to their customers, it's very honest, it's very superfluous, it's not really an official endorsement kind of a thing. So I really like that that honesty approach to selling a product.